देश के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक आज कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने प्रदेश और देश की जनता को 70वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सबको मैं अपनी तरफ से पहले तो इसके मुबारकबाद देता हूं। बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए कि हम गणतंत्र मनाने जा रहे हैं कल, और साथ में अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं सारे देशवासियों को कि हम सब मिलकर देश को और आगे बढ़ा के। इस मौके पर पूर्व सेना अध्यक्ष ने कहा कि लांस नायक नजीर वानी को अशोक चक्र दिए जाने का जो फैसला लिया गया है वो बेहद अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नजीर वानी को सम्मानित किया जाएगा और इससे कश्मीर के युवाओं के पास अच्छा संदेश जाएगा। पहले किसी टाइम के ऊपर जमाने में था वो, लेकिन उसके बाद में वो उसने सोच बदली अपनी और फिर वो फौज में भी आ गया। और अशोक चक्र जो है आपको मालूम है कि पीस टाइम में सबसे हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड है, तो उसने अच्छा काम किया है और पूरे काम को देख के ही उसको मिला है अशोक चक्र जो दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा उदाहरण रहेगा ये पूरे देश के लिए और ख़ासकर हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए। तो ये एक इंस्पिरेशन बन जाएगा वो आगे के लिए कश्मीर में ख़ासकर। वहीं बारामूला से आतंकवादियों के खात्मे की खबर पर उन्होंने कहा कि जो भी बंदूक उठाएगा, शांति को खराब करने की कोशिश करेगा, उसको दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुंचाना जरूरी होगा। हम समझते हैं कि सारे ये लोग कश्मीरी भी हमारे देश के लोग हैं, लेकिन जो गन उठाएगा और जो बाकी अपने सिविलियंस को या अपनी फौजों को या उसके अगेंस्ट वो काम कार्रवाई करेगा तो उसको तो उसका ठीक ठिकाने पर पहुँचना पड़ेगा। तो ये जो है आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलिटेंसी जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाए, जो गन का कल्चर है वो ख़त्म करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सत्य खबर के लिए कुरुक्षेत्र से भारत की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।